नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी हमारे पास आई है, थोड़ा स्टार्टिंग का इशू है इसमें और थोड़ा मिसिंग की प्रॉब्लम है, पिकअप भी थोड़ा लो है, तो उसके लिए हमने स्कैनिंग वगैरह इसकी अभी करनी है। लेकिन उससे पहले हमने जो काम किया है वो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसमें जो ये छोटा छोटा दिक्कत आ रहा है वो इसलिए भी हो सकता है कि इसका जो फ्यूल पम्प था, देखिए दोस्तों इसका फ्यूल पम्प हमने खोला है तो उसमें हमें छोटी सी दिक्कत दिखी है। वो दिक्कत ये है कि इसमें जो फ्यूल पंप का जो स्टेनर रहता है उसमें कचरा था, और जो उसका आगे का फिल्टर रहता है, जो इसका फ्यूल पंप का आगे का फिल्टर रहता है वो भी गंदा हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी में प्रॉपर सप्लाई जो फ्यूल की है वो नहीं पहुँच पा रही थी। उसी की वजह से गाड़ी में ये दिक्कत आ रहा था स्टार्टिंग का और मिसिंग का, और गाड़ी झटके भी लेती थी। तो अब हमने इसका ये जो देखिए सीट खोल के नीचे इसका जो फ्यूल स्टेनर था वो हमने क्लीन कर दिया है, खोल के इसका स्टेनर वगैरह क्लीन कर दिया है, और अब ये जो गाड़ी है बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इसमें कोई मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और गाड़ी की पिकअप भी अच्छी हो चुकी है। लेकिन हम फिर भी इसका एक बार अब स्कैन करेंगे। तो स्कैनर दो देखिए दोस्तों, हमने लगा लिया है, ये हमारा स्कैनर है, ये देखिए ये स्कैनर का वायर हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इसका स्कैन करके। तो ये देखिए, स्कैनिंग हम कर चुके हैं गाड़ी की, और यहाँ पे कोई भी ट्रबल शूट कोड नहीं है गाड़ी का। तो इसका मतलब दोस्तों, गाड़ी में और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है जिससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा आ रहा हो जिससे मिसिंग हो रही हो, जैसा कि इग्निशन कॉइल वगैरह का या किसी स्पार्क प्लग का या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा हम ये बता सकते हैं आपको कि जो फ्यूल पंप में कचरा आया था उसी की वजह से ये गाड़ी में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि फ्यूल पंप गंदा होने की वजह से उसका जो जाली आगे का रहता है, फिल्टर रहता है, वो गंदा होने की वजह से होता क्या है, बेसिकली गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल सप्लाई हो नहीं पाता है, और जिससे गाड़ी स्टार्टिंग लेट कर सकती है, मिसिंग प्रॉब्लम कर सकती है, और इसी तरह की कोई पिकअप भी कम कर सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी दोस्तों ये फ्यूल पंप में कचरा वगैरह आने से आ सकती है, या फ्यूल लाइन में कोई कचरा आ जाए उससे भी ये चीज़ आ सकती है। तो दोस्तों, कभी भी आपकी गाड़ी में भी इस तरह का कोई दिक्कत आता है तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि कहीं आपका फ्यूल पंप गंदा तो नहीं हो चुका, या उसमें कोई कचरा तो नहीं आ गया, या फिर उसका जाली साफ़ है या नहीं है, जिससे गाड़ी में फ्यूल पंप पूरा प्रॉपर सप्लाई रहे गाड़ी को, और जिससे गाड़ी का पिकअप वगैरह अच्छा रहे, स्टार्टिंग अच्छा रहे और लेट स्टार्टिंग ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।